जय हिंद दोस्तों, गाजीपुर ब्लॉग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की हमारी वीडियो उत्तर प्रदेश में बनने वाली गंगा एक्सप्रेसवे की है। उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास हेतु जनपद मेरठ से प्रारंभ होकर जनपद प्रयागराज तक पूर्णतः प्रवेश नियंत्रित गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण प्रस्तावित है। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ बुलंदशहर मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 334 जनपद मेरठ के बिजौली ग्राम से शुरू होकर प्रयागराज बाईपास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 जनपद प्रयागराज के जूडापुर डांडो ग्राम के पास जाकर खत्म होगा। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ एवं प्रयागराज जनपद से होकर गुजरेगी। गंगा एक्सप्रेसवे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा जो 6 लेन का होगा, जिसे भविष्य में 8 लेन किया जा सकेगा। एक्सप्रेसवे के राइट ऑफ वे की चौड़ाई 120 मीटर प्रस्तावित है। एक्सप्रेसवे के एक ओर आवश्यकता अनुसार सर्विस रोड स्टैगर्ड के रूप में बनाई जाएगी, जिससे परियोजना के आसपास के गांव के निवासियों को सुगम आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो सके। गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग 594 किलोमीटर की होगी। इस एक्सप्रेसवे को बनाने का जिम्मा यूपीडा यानी उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने लिया है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में 529 गांव की जमीनें अधिग्रहण होंगी। अभी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। गंगा एक्सप्रेसवे के लिए यूपीडा ने जमीन के सर्किल रेट का अनुमोदन कर दिया है। जमीन के बैमाने शुरू हो गए हैं। बैमाने कराने की जिम्मेदारी तहसीलदार और राजस्व कर्मियों को दी गई है। बैमाने के बाद यूपीडा की ओर से किसान के खाते में सर्किल रेट का 4 गुना भुगतान पहुंचेगा। जून 2021 में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने की योजना है। मेरठ से प्रयागराज तक बनने जा रहे गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना अपने शुरुआती दौर से ही रोजगार मुहैया कराएगी। जमीन अधिग्रहण का काम हो या निर्माण का काम हो, हजारों कारीगरों श्रमिकों को काम मिलेगा। यही नहीं, जब यह परियोजना 3 साल में पूरी होगी तो औद्योगिक विकास के जरिए लाखों लोगों को रोजगार मुहैया कराने का सबब बनेगी। आशा करता हूँ कि गंगा एक्सप्रेसवे की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। जय हिंद, जय भारत।